ताला आप सब लोग खुश करे रखे, बीमारियों से महफूज रखे, आमीन सुमा। सब लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ है, मेरे मामा पापा ने भी ईद की उसी तैयारी की है। कितने भी मुश्किल हालात हों लेकिन मामा किसी ना किसी तरह करके हमारी ईद की अच्छी शॉपिंग कर लेती हैं, अच्छे कपड़े ले आती हैं। तो इस दफे भी मेरे मामा पापा ने हमारी ईद की अच्छी और खुशी तैयारी की है, तो मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों को भी अपनी ईद की शॉपिंग दिखाऊं। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मेरा फ्रॉक है, ये मामा रेडीमेड कुर्ता लेके आई है। ये मेरी रेडीमेड फ्रॉक है, ये मामा रेडीमेड लेके आई है। इसके साथ ये हमने कॉटन का फ्रॉक लिया था, महक का रेडीमेड है, ये शॉर्ट फ्रॉक बना हुआ है। और इसके साथ मैंने इसको ट्यूलिप शलवार बना के दी है। ये तो कह रही थी कि मुझे साथ पैंट लेके दें, लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आई पैंट, तो इसलिए फिर मैंने ये कपड़ा लेके कॉटन का, तो इसको मैंने ट्यूलिप शलवार बना के दी है। ये देखिए ट्यूलिप शलवार कई तरह की होती है, लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा था, ये खुली खुली सी जो होती है ना, तो शॉर्ट फ्रॉक है तो उसके साथ मैंने कहा ये अच्छी लगेगी। हाँ ये इसके साथ स्टॉलर है, थोड़ा इसका बॉर्डर जो है वो कलरफुल है, और अंदर दो कलर आ रहे थे, ये अलग से हमने मैच किया, तो ये बड़ा अच्छा एक सेट बन गया। एक सूट हमारा कंप्लीट हो गया। और दूसरा ये वाला मेरी मामा बटन बंद करो आगे से। थोड़ी सी इस तरफ हो जाओ। ये भी मैंने इसका घर पे ही तैयार किया है, ये मैंने नेट पे डिज़ाइन देखा था, इसका फ्लेयर बहुत खुला है। मुझे चैनल का नाम याद नहीं रहा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैं कपड़ा लेके आई थी, तो ये मैंने इसका घर पे ही तैयार किया है। और इसके साथ इसको ब्लैक कलर की पैंट लेके दी है, क्योंकि ये थोड़ी सी लॉन्ग है, तो मैंने कहा पैंट चल जाएगी नीचे, बुरी नहीं लगेगी। हाँ इसका स्टॉलर नहीं मैच हो रहा अभी, वो हमारा मसला अटका हुआ है, दो तीन दिन रह गए हैं, तीन दिन रह गए ईद में। मिला तो बताएं। हाँ किसी को कहीं से मिले तो महक को फोन कर दीजिएगा। भाइयों के दिखाओ, भाइयों के ग्लासेस के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, ये हर ईद पे हमने नहीं लेनी होती है। जो बड़ा भाई है वो भी महक से छोटा है। ये मेरे भाई के बेल्ट है और भाइयों के ड्रेस है। ये बेल्ट है भाई की, ये दोनों दो भाई हैं महक फातिमा के, मोहम्मद अवैस हैदर और मोहम्मद शाहजेब, तो ये उन दोनों के रेडीमेड ही लिए हमने, और एक एक कॉटन का लेके सिलाई करवाया, वो मैंने अभी काट के रखा हुआ, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। और दूसरा खोलो, माशाल्लाह दो बेटे हैं मेरे, तो मैं पूरे बाजार में घूम के तो इन दोनों के हमेशा सेम कपड़े लेती होती। पहले पहले बहुत मसला होता था, छोटे वाला जब छोटा था तो डिफरेंस इनका 4 साल का, तो इसलिए मसला हो जाता था, सेम नहीं मिलते थे, लेकिन अब यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मिलने लग गए हैं। ये मैं फातिमा का बैग है, जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। ज्वेलरी चूड़ियाँ वगैरह अभी हमारी कुछ रहती हैं, ये गले में डालने वाला जी चौकर, और क्या है, रिंग है जी, रिंग है। गर्मी की वजह से चूड़ियाँ वगैरह पहनी नहीं जाती हैं, इसलिए हाँ ये एक रिंग है ब्लैक कलर की। अपने जूते भी दिखाओ, ये मेरा जूता
जूते इस दफा भाइयों के हमें मैचिंग नहीं मिले तो, लेकिन अच्छी क्वालिटी के मिल गए थे। ये हमें ये बड़े भाई का, इस तरफ करो थोड़ा सा, ये हमें डिस्काउंट पे मिल गए थे। ये बाटा वालों ने 50% डिस्काउंट पे लगाए हुए थे। ये 2000 इसकी प्राइस थी, तो ये हमें 1000 का मिला है। और जो छोटे वाला का वो 1600 उसकी प्राइस थी, तो वो हमें 800 का मिला। इस तरफ करो, ये भी सर्विस का। और ये आप ही का, ये आप ही का। और पापा का जूता नहीं लिया? हाँ, पापा ने जूता नहीं लिया जी, वो नहीं लिया। कह रहे थे मेरा भी नया बड़ा हुआ छोटी ईद वाला, तो मैं कि पापा बहुत सादे सिंपल कपड़े पहनते हैं, ये हमने कपड़ा लेके तो स्टिच करवाया। ये काली सिल्क आया है, जूतों वाली साइड पर ना रखना, धुल गया ये। ठीक है, ये मामा की चादर है कॉटन की, ये मामा का ड्रेस है, ये स्टिच होम है। हाँ, ये डिफाइन 5-स्टार का सूट है, लॉन का। ये भी सॉफ्ट होती है लॉन 5-स्टार, मुझे बहुत पसंद है। मैं ज़्यादातर 5-स्टार ही लेती हूँ। ये बैक साइड है, ये बैक साइड है शर्ट की नहीं। हाँ, ये फ्रंट है। ठीक है, दुपट्टा वो है फटना, इसका दुपट्टा मुझे बहुत पसंद आया था। हालांकि इसकी शर्ट की बैक बिल्कुल सिंपल सी है, पर फ्रंट पे भी इतना नहीं है, नीचे घेरे पे ही ज़्यादा डिज़ाइन है। तो ऊपर मैंने कहा चले कि गला मैं अच्छा सा बना लूँगी, तो उसका दुपट्टा मुझे बहुत पसंद आया था। हाँ, ट्राउज़र सिंपल है, ठीक है, सादा। ये महक की आप ही का सूट है जी, ये इसके साथ कैप्री है। ठीक है, बस रखो। ये वो चीज़ें हम आपसे शेयर कर रहे हैं जो कि हमारी तैयार हो चुकी हैं, और ये जो हमने बाज़ार से ख़रीद ली हैं। ठीक है, कुछ कपड़े अभी बच्चों के सिलने वाले हैं। हाँ, ये बुनैनजा का था। ठीक है, ये थी हमारी ईद की शॉपिंग। कैसे लगी आप लोगों को हमारी? बहुत खुश है, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हर मुसलमान को अच्छे से अच्छी ईद की शॉपिंग जैसी उन लोगों की ख्वाहिश है उस तरह की उनको अता फरमाए परवरदिगार। और कैसा कि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ मुझे नहीं इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो, सिमेटो सारा कुछ।